एक बिल्कुल सच्ची किस्सा सुनाते हैं आपको, राजू दास की कसम खा के बिल्कुल सच्ची किस्सा। हम लोग एक शूटिंग कर रहे थे, सीरियल का नाम था और भाई क्या चल रहा है। उस सीरियल में दो परिवार थे, एक मिर्जा फैमिली थी और एक मिश्रा फैमिली थी। जो मिर्जा फैमिली थी उसके दो बच्चे, एक पिताजी एक अम्मी, अमूमन ऐसा होता नहीं है लेकिन थे एक ही एक। और जो मिश्रा फैमिली थी उनके तो एक एक थे। तो प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा पैसा आ गया। प्रोड्यूसर ने कहा कि इस बार हम शूटिंग नैनीताल में करना चाहते हैं, अन्नू भाई बताओ तुम्हारी क्या सलाह है। बिना हमसे पूछे कोई काम होता नहीं था उस सीरियल में। तो हमने कहा अच्छी बात है, नैनीताल सब लोग चलेंगे, मज़ा आएगी। अब हम लोगों की तैयारी हुई और वो दिन आ गया जिस दिन हम लोगों को नैनीताल जाना था। बस आके लगी, हम लोग बस में बैठे और रात भर यात्रा करी और सवेरे हल्द्वानी पहुंच गए। अब मेन किस्सा यहाँ से चालू होता है। रात भर यात्रा करी, सवेरे हल्द्वानी पहुंच गए। ड्राइवर ने कहा एक घंटे बस रुकेगी, हाथ मुंह धो लो, चाय पानी कर लो, एक घंटे बाद हम लोग यहाँ से नैनीताल की चढ़ाई चढ़ेंगे। हम लोग चाय आए पिया, उतनी देर में ड्राइवर गया, एक अद्धी मारी आवा। हमने कहा हम लोगन से तो तुम कहो चाय पी लो और खुद दारू पी आयो। बोला हम भाई साहब देखो दिल्ली के हैं, चाय हमारे पांच मकान बाद मिलती है, दारू बिल्कुल बगले मिलती है, तो बताओ समय खराब करने से कोई फायदा है। उसकी बात हमको समझ में आई, समय है बचाना चाहिए, बाकी तो सब चीज ठीक है। अब वो जब दारू पी के आया, बस में बैठा, अब वो बस की चढ़ाई चालू भई। पहला मोड़ आया, मोड़ पे अमूमन गाड़ी लोग धीरे कर लेते हैं, लेकिन उसने स्पीड बढ़ाई और जोर से चिल्लाया जय श्री राम, और बस टुक 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 चली जा रही। दूसरा मोड़ आया, फिर उसने गाड़ी तेज करी और चिल्लाया जय श्री राम, बस टुक टुक टुक। हमने मिर्जा फैमिली की तरफ देखा, मिर्जा ने और सलीम भाई ने हमको पास बुलाया, बोले ये खाली जय श्री राम चिल्ला रहा है, हम लोगन का क्या होएगा। हमने कहा कि यार बात तो सही है, लेकिन अब ये अल्लाह अल्लाह तो चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा तो जय श्री राम। फिर बस आगे बढ़ी, जय श्री राम जय श्री राम। अब थोड़ी देर बाद गाड़ी में 15 लोग जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। हमने पलट के देखा, पूरी मिर्जा फैमिली जय श्री राम, सलीम भाई भी जय श्री राम, अमजद भाई भी जय श्री। हमको भाई साहब इतनी खुशी भाई, हमने कहा जो काम योगी मोदी 9 साल में नहीं करा पाए लोगन से, एक दारू की अद्धी 15 मिनट में करा लीस, तो बड़ी खुशी भाई। और फिर वो लोग आखिरी तक उतरते में तो पहले है से, तो बहुत अच्छा माहौल। रामराज की एक स्थापना, हम लोग रामराज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने भी अपना ये जो प्रोग्राम रखा, कहीं भी रख सकते थे, इतना बजट रहता है आप लोगों के पास, गोवा में रख सकते थे, बैंकॉक में रख सकते थे, लेकिन यहाँ रखा, तो इसका मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं।